जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कहता है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। अगर आप गौर फरमाएं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में मौजूद है। ऊपर पावर छोटी है वेरिएबल की, नीचे यहां स्क्वायर है, यहां 1 है, पावर क्यूब बनेगी। इट्स मीन कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जी अब हम इसको मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप a के नीचे पहले आसान वाला था जिसकी पावर 1 है, एक्स माइनस 1 a ओवर एक्स माइनस 1। अगर अंदर पावर 2 है तो ऊपर दो कॉन्स्टेंट हम रखते हैं, याद रखने के लिए बी एक्स ओवर सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये जो क्वेश्चन है जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम आप 1 रखते हैं। इसमें a b और c की वैल्यू अब हमने मालूम कर ली है। स्टूडेंट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है ये बड़ा खत्म करने के लिए इस रकम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करने लगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये स्टूडेंट आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर यहां पे भी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स माइनस 1, और ये a से भी मल्टीप्लाई होगा सेम रकम x माइनस 1 x square plus 2x minus 5 into a over x minus 1, b से भी मल्टीप्लाई होगा bx plus c से, ये आएगा x minus 1 into x square plus 2x minus 5 into bx plus c over x square plus 2x plus 5। स्टूडेंट्स इसका फायदा ये हुआ कि आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया, इधर आपके पास आ गया x square plus 15, इधर आपके पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स सॉरी ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 से कट गया तो यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू a प्लस ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो x माइनस 1 इंटू bx प्लस c आपके पास आ गया। जैसे ही बड़ा खत्म हो इस इक्वेशन का नाम नंबर 2 रख दें। अब थोड़ा आप क्या करेंगे कि जिस फैक्टर में अंदर वेरिएबल की पावर 1 और ऊपर 1 होगी उसको हम लेफ्ट कर लेंगे कि ये x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इस 1 x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब आप पुटिंग अबाउट पुटिंग इक्वेशन 2 जनाब जहां जहां x है वहां 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू यहां आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 5 इंटू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी 1 प्लस सी। स्टूडेंट्स आप गौर करें, 1 माइनस 1 करेंगे आंसर क्या आएगा 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जी इसको जब रिजॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15 इज इक्वल टू यहां पे आएगा 1 प्लस 2 माइनस 5 इंटू ए प्लस 0 आ गया। अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ये 3 है, 5 में 3 गया माइनस 2 और यहां पे क्या आएगा 16 a, ये a के साथ माइनस हो जाएगा 16 आएगा। इसको मैं अब आगे नेक्स्ट पे आपको रिजॉल्व करके देता हूं, जरा यहां पे आप गौर फरमाइएगा। जी लेफ्ट साइड पे आपके पास 16 आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास बेटे माइनस 2 a आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 16 ओवर 2, साथ माइनस आ जाएगा ये इधर आगे, जरा a आपके पास माइनस 8 आ गया, ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। अब आपके पास पीछे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बचा जिसके अंदर भी पावर 1 और ऊपर भी 1 हो। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कोएफिशिएंट का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। तो हम इक्वेशन 2 को पकड़ते हैं। जी फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू जरा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इनटू a प्लस x माइनस 1 इनटू bx प्लस सी, ये इक्वेशन 2 है। बड़ा ही आसान है बेटे,
आप कांस्टेंट को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x square plus 15 is equal to a x square plus 2 a x minus 5 into a plus, पहला पहले से तरफ क्या आएगा, ये क्या आएगा b x square, पहला पहले से फिर पहला दूसरे से plus c x, फिर दूसरा पहले से minus b x, फिर दूसरा दूसरे से minus c। अब बेटे आप क्या करेंगे, अब आप इसकी ब्रैकेट जो है वो इसको खत्म कर देंगे, x square plus 15 is equal to ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस फाइव ए प्लस, अब आप इसको रिजोल्व कर लेना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। बेटे कंपेयर कोफिशिएंट करने के लिए आप देखें इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है, इधर कोई क्यूब वाली नहीं है, लिहाजा हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें सेम वेरिएबल वाली वैल्यू इकट्ठी कर दें, x square plus 15 इधर आ गया बराबर है, ये ax square और bx square इकट्ठा हो जाएगा, ax square जमा bx square ये आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद खाली x वाली वैल्यू जो है ये 3 है जिनके साथ सिर्फ x आया हुआ है, 2ax plus cx minus bx जी स्टूडेंट, और x के बगैर ये वेरिएबल के बगैर जो है minus 5a minus c है, minus 5a minus c है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, हमेशा सही वेरिएबल्स वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा कर दिया, अब हम इनमें से वो वेरिएबल कॉमन ले लेंगे, इधर आपके पास आ जाएगा x square plus 15, इधर आपके पास बेटे a plus b into x square plus 2a plus c minus b into x minus 5a minus c। अब बेटे आप कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे ऑफ x square x and constant, इन तमाम का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जनाब इधर x square के साथ क्या है a plus b और इधर क्या है x square के साथ 1, तो जनाब a plus b आपके पास आएगा 1, किसका नाम आप 3 रखें, उसके बाद इधर x के साथ क्या है 2a और plus c minus b, 2a minus b plus c is equal to, इधर x के साथ क्या है, इधर x वाली तो रकम ही कोई नहीं है, इस टी को हम इसको यूं जाहिर कर सकते हैं कि प्लस 0x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब इधर x के साथ क्या है 0, तो आप जनाब यहां पे क्या पुट करेंगे 0, ये जो 15 आपको लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया था 15, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर आएगा माइनस 5, इधर मैं जरा वादा करके लिख देता हूं बराबर है 15 के, इसका नाम इक्वेशन 4, इसका नाम बेटी इक्वेशन 5 आप पुट करेंगे। जनाब आप जानते हैं कि आप a की वैल्यू निकाल चुके हुए हैं, जब बेटे a की वैल्यू यहां पुट करेंगे माइनस 8 इसको इधर ले जाएंगे प्लस 8 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी 9, जी हम a की जगह जनाब माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू क्या आएगी 8 प्लस 1 यानी b आपके पास क्या आ गया 9। अब बेटे आपके पास क्या रह गया c, a और b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब अगर आप इस a की जगह पे 8 पुट करते हैं तो क्या निकल आएगा c, अब हम इस a की जगह पे इक्वेशन 5 में जो है ये बेटे मैं यहां पे रिजॉल्व करने लगा हूं, ये यहां पे आप गौर देखिएगा हम इक्वेशन 5 में पुट करने लगे हैं माइनस 5 a की जगह माइनस 8 माइनस c इज इक्वल टू 15 जी स्टूडेंट, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 40 माइनस सी इज इक्वल टू 15, सी इधर 15 इधर 40 माइनस 15 बराबर है प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 25। बेटे आपने जो हमारा मेन टास्क था वो ये था कि हमने ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली थी और इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वो आपको पुट करना आता है, ए की जगह ए लिखना है, बी की जगह बी और सी की जगह सी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिजॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5-6 जी जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं, कहता है x square plus 1 over x cube plus 1 इसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में मौजूद है, नीचे वाले रकम के फैक्टर बना सकते हैं कैसे, a plus b into a square minus ab plus b square आप जानते हैं a cube plus b cube का ये फार्मूला होता है a plus b into a square minus ab plus b square, लिहाजा हमने इसके नीचे फैक्टर बना लिए, क्यों क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नीचे फैक्टर का बनना जरूरी है।
अब आप इसको पकड़ेंगे और हल करेंगे। जरा देखिए ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, a बटा पहला फैक्टर जमा बी एक्स प्लस सी बटा दूसरा फैक्टर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने रिजॉल्व किया था। अब बेटा ये बटा खत्म करने के लिए आप इस रकम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने लिखा हुआ मल्टीप्लाई किया इस रकम को दोनों तरफ। जब इधर मल्टीप्लाई किया इस रकम से तो ये पूरी रकम इस रकम से कैंसिल होगी, तो इधर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1, ये देखें बराबर है। जब ये रकम इससे मल्टीप्लाई बेटे x 1 1 से कट गया और ये रकम a के साथ आ गई, ये देख लें आप a के साथ आई है। जब ये पूरी रकम इसके साथ आएगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जनाब ये देखें इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को रिजॉल्व करते हैं कैसे। जिस फैक्टर में होल पावर 1 अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, इसको पकड़ के 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं, x का निकला -1। जी स्टूडेंट, अब आप x की जगह -1 पुट करें दोनों तरफ। इधर जब -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, जब इधर -1 पुट किया तो a तो आ गया मगर bx + c 0 हो गया क्योंकि -1 की वजह से अगली पूरी रकम 0 हो गई। अब ये 3 आ गया, इसका स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया, इसको हल किया a की वैल्यू 2/3 आ गया। अब जनाब अब आप कंपेयर कोफिशिएंट का तरीका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और फैक्टर बचा ही नहीं जिसको 0 के बराबर पुट किया जाए। लिहाजा इक्वेशन 2 को पकड़ते हैं, इधर x स्क्वायर + 1 है, इधर स्क्वायर ये है a के साथ x स्क्वायर - x प्लस, और इधर x माइनस वन को और बी एक्स प्लस सी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 4 रकमें आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना, ए को अंदर मल्टीप्लाई करके स्केयर वाली रकमें इकट्ठी, x वाली रकमें इकट्ठी और कॉन्स्टेंट रकमें इकट्ठी, ये देखें स्केयर वाली इकट्ठी कर दी, x वाली इकट्ठी कर दी और x के बगैर इकट्ठी कर दी, और इधर जो रकम नहीं है जैसे इधर स्केयर है इधर है, इधर x है इधर नहीं है, उसके साथ 0x लगा दिया ताकि कंपेयर करने में आसानी हो हमें। जी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x है एंड कांस्टेंट, इधर x स्क्वायर के साथ है a + b और इधर क्या है 1, इधर है -a + b + c और इधर क्या है 0, इधर है a + c और इधर क्या है 1। जनाब a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, b बराबर है 1 - a, a की वैल्यू पुट करें 1 - 2/3, इसका एलसीएम लें 1/3, b की वैल्यू निकालें। जनाब अब आप a की वैल्यू को जरा आप देख सब, ये a + c है, a की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, c बराबर है 1 - a, इधर भी एलसीएम लेंगे, a b और c तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में, a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c, बेटे 2/3 का मतलब है 2/3 नीचे, पहले एलसीएम ले लो ऊपर, एलसीएम लेने के बाद बटे वाला 3 नीचे ले जाएंगे और ऊपर कभी आपके पास x प्लस 1 बचेगी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको 5.3 कंप्लीट करवा दूंगा।